जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करते हैं लोग एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को। देखिए इस कंपनी के बारे में सभी जानते हैं कि इन दिनों इसमें गिरावट का दौर चल रहा है, और गिरावट का दौर इसलिए भी चल रहा है क्योंकि ये स्टॉक इन दिनों आपको लोअर सर्किट में देखने को मिलेगा। और लोअर सर्किट का सीधा सा मतलब होता है कि लोअर सर्किट लगता है तो प्राइस लगभग कम से कम मतलब 5% का तो लोअर सर्किट मांगा है माना ही जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कम है 2% का 2.5% का आसपास गिरावट देखने को मिला। तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं, जब हम लोग इस कंपनी को BSE इंडेक्स वेबसाइट पे यहाँ पे देखेंगे तब भी यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये स्टॉक अभी वैसे तो रेड फ्लैग में भी है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ESM स्टेज 1 की श्रेणी में अभी ये स्टॉक को रखा गया है। अब ESM और GSM क्या होता है मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काफी बार बात कर चुका हूँ। दरअसल एक कैटेगरी जो होती है सेबी के द्वारा बनाया गया है कि जब किसी स्टॉक में बहुत तेजी से गिरावट आने लगता है, बहुत तेजी से ऊपर तरफ मूवमेंट होने लगता है, तो सभी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ गड़बड़, और खासकर ये छोटे स्टॉक में भी ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। छोटे स्टॉक कहने का मतलब जिसका मार्केट कैप छोटा होता है, तो सभी जांच परख करने के लिए इस स्टॉक्स को ESM और GSM इस कैटेगरी में रखती है। और कैटेगरी के भी मतलब ये है एक सब कैटेगरी है, जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, तो स्टेज 1 जैसे कैटेगरी कुछ नहीं होता, स्टेज अगर 3 और 4 में जब जाता है तब जाके एक मतलब घबराने वाली बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ESM स्टेज 1 में जब तक है तब तक कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ लेकिन ये है कि स्टॉक लोअर सेगमेंट में चल रहा है तो ये एक टेंशन वाली बात है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखे कि स्टॉक अभी लोअर सर्किट में 5 अगस्त को लोअर सर्किट लगा है, तो ये लोअर सर्किट जब जब लगेगा आपको प्राइस नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखेगा। और यहाँ पे आपको स्पष्ट देखेंगे लोअर सर्किट में ज्यादातर यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर सर्किट स्टॉक में देखने को मिलेगा। अब एक बात यहाँ पे समझिए, इस कंपनी का जो है Q1 का रिजल्ट आने वाला है। Q1 का रिजल्ट उम्मीद है कि जल्द ही इसी अगस्त मंथ में आपको आते हुए दिखेगा, जिसके लिए यहाँ पे बोर्ड मीटिंग भी हाल ही में हुआ है। स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग रखा गया था। तो अब इस मीटिंग में Q1 का नंबर आएगा, और Q1 के नंबर क्या है इस कंपनी के दशा और दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले चार्ट पर एक नजर डालें यदि इस स्टॉक के, तो आप देखिए कि अभी भी ये स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है। कंसोलिडेशन रेंज का सीधा सा मतलब हुआ कि स्टॉक जितना लंबा समय बिताएगा इस रेंज में, जब इससे बाहर निकलेगा तो इतना ही बड़ा तेजी इस स्टॉक में आने को देखने को मिलेगा। होता क्या है कि जब इससे बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, आप ये सभी बात जानते हैं। कितना ऊपर जाएगा, कम से कम इस लेवल के आसपास आता है अपने प्रीवियस हाई के पास, और प्रीवियस हाई के पास आने के बाद उस समय इसमें वॉल्यूम देखा जाता है, वॉल्यूम उस समय कितना रह रहा है स्टॉक में। यदि वॉल्यूम अच्छा खासा है तो तकरीबन इसके डबल जाने का दमखम रखता है कोई भी स्टॉक हो, ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो अगर आपका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको अभी बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि स्टॉक अभी रेंज में है, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, चाहे कितना भी लोअर सर्किट लग जाए। तो होगा क्या है कि जब इससे बाहर निकलेगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एवरेजिंग कर लीजिएगा इस लेवल पे। जैसे यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे आप 1 रुपए के आसपास, उससे जब ऊपर निकले इस रेंज 1.5 रुपए के आसपास, 1.5 रुपए नहीं 1 रुपए 10 पैसे के आसपास कीजिएगा, चाहे नया व्यक्ति भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको पैसा कमाने का एक अच्छा खासा मौका मिलेगा, क्योंकि ब्रेकआउट पर बहुत तेजी से शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। और जो कम समय के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो वो लोगों के लिए एक अच्छा टेक्निक होता है ये ब्रेकआउट पे एंट्री लेना, और यहाँ पे एंट्री लेकर शॉर्ट टर्म में एक बेहतर पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस फंडामेंटल टेक्निकल काम नहीं आता जब ब्रेकआउट होता है रेंज बाउंड का, तो ये आप मान के चलिए कि इसमें तेजी आने ही वाली है, क्योंकि ये अब डिपेंड करता है कंपनी के Q1 के नंबर पे। Q1 का नंबर देखिए, मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था तो Q4 का नंबर था, और ये काफी हैवी इसमें मतलब कह सकते हैं कि ग्रोथ मैसिव ग्रोथ देखने को मिला था Q4 के रिजल्ट में। तो इसलिए अब जो है Q1 के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है कि Q1 के नंबर में भी अगर इसी तरीके की कंपनी का सेल्स और कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो होते हुए दिखा तो एक लंबा छलांग आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे पहले जहां सिर्फ डबल डिजिट में कंपनी का सेल्स हो रहा था, मार्च क्वार्टर में ट्रिपल डिजिट में सेल्स हुआ, करोड़ों में हुआ, तो किसी भी कंपनी के लिए अचानक इतना अच्छा मतलब अगर सेल्स हो जाए तो ये इन्वेस्टर्स की नजर ऐसी कंपनी में पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पे तकरीबन जो प्रॉफिट है यह भी डबल हो गया था, तो इसलिए Q1 का नंबर आने का इंतजार कीजिए। Q1 का नंबर आएगा तो तेजी तो स्टॉक्स में इससे भी आएगी, और चूंकि मैं आपको क्या कहता हूँ कि जिस सेक्टर की कंपनी है आप सेक्टर को देखिए ना, ओवरऑल अगर सेक्टर में ग्रोथ परफॉर्मेंस दिखेगा तो लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स में ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि IT से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, कह सकते हैं कि IT से जुड़ी हुई कंपनी है, नाम में ही टेक्नोलॉजी लगा है, तो जाहिर सी बात है कि जब IT सेक्टर का बूम आएगा तो, और इसका बूम तो हमेशा रहेगा ही क्योंकि इस समय AI का है, और AI के समय में IT सेक्टर में तेजी आएगी ही आएगी, लॉन्ग टर्म में भी आएगी। तो इसलिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो कुछ गलत नहीं, आप इसमें बने रहिए, समय दीजिए, समय देंगे तो आपका अच्छा खासा इसमें बेनिफिट होगा। मार्केट कैप भी धीरे धीरे कंपनी का ग्रो कर ही रहा है, पेनी स्टॉक्स निकल के कंपनी अभी स्मॉल कैप श्रेणी की तरफ बढ़ रही है। स्मॉल कैप में क्या होता है कि पेनी स्टॉक से कम रिस्क होता है, और स्मॉल कैप श्रेणी में आने के बाद तो आप
थोड़ा बहुत रिस्क से बाहर हो ही जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में ये जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है समझ में आ रहा होगा। मन में कोई भी सवाल है कंफ्यूजन है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही, वक्त देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।